नमस्कार, मेरा नाम मारी है और मैं प्रियदर्शनी समूह की सदस्य हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पुनुगु सीमाचलन है और मैं ईस्ट गोदावरी जिले के तोडांगी मंडल से हूँ। गांव के समूह ने पीओपी योजना के अंतर्गत हमारा नाम हितग्राही के रूप में चुना और 10,000 रुपये का उधार दिया। उधार की राशि से हमने आधा एकड़ सिंचित खेत किराए पर लिया। उस खेत के एक चौथाई एकड़ पर हम सब्जी उगा रहे हैं और बाकी की जमीन पर श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं। पहले हमारे पास कोई खेत नहीं था और हम खेत मजदूर का काम करते थे। अब हमें चावल और सब्जियों की कोई कमी नहीं है। मेरे बच्चे और सारा परिवार खुशी से जिंदगी जी रहा है। सीए और वीए ने हमें श्री विधि से धान की खेती करना सिखाया। एक चौथाई एकड़ में श्री विधि से धान करने के लिए आधा किलो बीज लगा। एक एक धान के पौधे में 60 से 70 पीके निकले। हमें श्री विधि से धान और सब्जी की खेती बिना दवाइयों के जैविक विधि से करना सिखाया गया। हमें सिखाया गया कि कीट और रोग की स्थिति और प्रभाव को देखते हुए किस तरह से जैविक घोल बनाया जाता है। हमने केवल कम लागत वाले तरीकों का ही इस्तेमाल किया। हम इससे खुश हैं और हमारे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। एक चौथाई एकड़ खेत के लिए आधा किलो बीज लगता है। नर्सरी से 10 दिन बाद रोपा को खेत में लगाते हैं। एक जगह में एक पौधा ही लगाते हैं। रोपा लगाने के बाद सफेद और पीले रंग के प्लेट, फेरमोन ट्रेप और चिड़ियों के बैठने के लिए टी आकार के डंडे लगाते हैं। 2-3 दिन बाद हमने खेत में अजोला का प्रयोग किया। सफेद और पीले रंग के प्लेट पर हमने ग्रीस लगाया जिससे कि मक्खी आदि उन प्लेटों पर चिपक जाए और उनका नियंत्रण किया जा सके। फेरमोन ट्रेप का इस्तेमाल कीट पतंगे आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है। खेत में लगाए हुए टी आकार के डंडे पर चिड़ियां आकर बैठती हैं और बीमारी फैलाने वाले कीड़ों को खा लेती हैं, जिससे हमारी फसलों का बचाव होता है। अजोला लगाने से हमें खरपतवार के नियंत्रण में मदद मिलती है और साथ ही साथ अजोला जमीन में नाइट्रोजन को बढ़ाता है, जिससे यूरिया की खपत कम हो जाती है। पिछले साल एक चौथाई एकड़ से हमने 2 मौसम में 23 बोरा धान उगाया, जिसमें से 6 बोरा धान हमने घर के इस्तेमाल के लिए खर्च कर लिया और बाकी को बाजार में बेच दिया। एक बोरा धान लगभग 1500 रुपये में बिका और 17 बोरा धान बेचकर हमने करीब 25,000 रुपये की आमदनी की। बाकी की एक चौथाई एकड़ जमीन पर हमने सब्जियां लगाई, जैसे बैंगन, भिंडी, बरबटी आदि। हमने पत्ते वाली सब्जी जैसे कि साग, धनिया, चौली आदि भी लगाए। हम हर दूसरे दिन सब्जी निकालते हैं और बाजार में बेचते हैं। मैं 300 से 400 रुपए हर दूसरे दिन सब्जियों को बेचकर कमा लेता हूं। बाजार में बेचने के अलावा हम सब्जी को घर में खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पिछले 2 मौसम में मैंने 25 से 27,000 रुपए सब्जी की खेती से कमाए हैं। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप भी बिना दवाई इस्तेमाल किए जैविक खेती करें। इससे हम आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ खाना दे पाएंगे और हमारी जमीन की उर्वरक शक्ति भी बनी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी किसान जैविक खेती अपनाएं। हम अपने उधार को धीरे धीरे 500 रुपए के मासिक किस्त से चुका रहे हैं।
इस आमदनी से मैं अपने लड़के की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के खर्चे को भी दे पा रहा हूँ। आखिरी में मैं आईकेपी और सर्प का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पीओपी योजना के अंदर हितग्राही के रूप में हमारा चयन किया और हमें उधार भी दिया। धन्यवाद।